What should be the width of each slit to obtain 8 maxima of 2 double slit patterns? So separation D within the central maximum of the single slit pattern. So the double slit hai. ठीक है, तो हमको सिंगल स्लिट से ही करना है. ठीक है, तो इसमें क्या है, 8 मैक्सिमम. तो ये हो गया सेंट्रल मैक्सिमम, 1 2 3 4. ये हो गया 4 इधर और ऐसे ही 4 इधर होगा. तो दिस शुड बी इक्वल टू, है ना, वाई इस हिसाब से होना चाहिए. तो डी स्लिट सेपरेशन इज डी. ठीक है, तो डी साइन थीटा should be equal to 4 lambda. तो sin theta को tan theta ले लेते हैं. तो d into y by d should be equal to 4 lambda. तो y हो जाएगा 4 lambda into d by d. ठीक है, अब इतना ही में ही हमको single slit pattern का भी चाहिए. तो single slit pattern के लिए हम लोग क्या करते हैं, है ना, ऐसा हो गया. तो single slit pattern में कुछ ऐसा आता है इंटेंसिटी. तो यहां पे जो मिनिमा है, यहां पे मिनिमा कैसा आता है, अगर इसका ए है तो दिस विल बी एक्चुअली ए बाय टू साइन थीटा शुड बी इक्वल टू लेमडा बाय टू. ठीक है, तो ए टेन थीटा a into y by d should be equal to lambda. तो y हो जाएगा d lambda by a. Both have to be equal. So d lambda by a should equals 4 lambda d by d. ठीक है, तो a हो जाएगा d by 4. और ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया. एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन इज देयर इन, एग्जैक्ट थोड़ा सा डिफरेंस है. व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट बी टू ऑब्टेन 10 मैक्सिमम ऑफ द डबल स्लिट पैटर्न विद इन द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ द सिंगल स्लिट पैटर्न. तो इसने क्या किया, देखिए ध्यान से, है ना, ए इज इक्वल टू डी बाई 5, क्योंकि यहाँ पे 10 मैक्सिमा है इसलिए 5 किया है. ठीक है, और डी, स्मॉल डी क्या था, स्मॉल डी इज 1 मिलीमीटर, जो कि एग्जाम्पल 10.3 में दिया हुआ है. ठीक है, टू स्लिट्स मेड, नो, मेड 1 मिलीमीटर अपार्ट. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे जो स्लिट है ना, दैट इज डी अपार्ट, तो इसीलिए, और 4 है तो इसीलिए डी बाय 4. थैंक यू.